जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या इम्पोर्टेंस है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी टॉपर से, किसी भी टीचर से सजेशन लेते हैं कि हमें UPSC की तैयारी के अंदर क्या करना चाहिए, तो उन सबका एक कॉमन जो है रिस्पॉन्स आता है, कॉमन आंसर आता है कि आप सभी को जब भी आप तैयारी कर रहे हों उस टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको जरूर सॉल्व करना है। तो ऐसे में ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसके क्या क्या फायदे हैं, तो सबसे पहले तो ये आपको एक आइडिया देता है क्या, किस चीज़ का आइडिया देता है, आइडिया ऑफ क्वेश्चन, कि मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इस चीज़ का आइडिया आपको जो है क्वेश्चन पेपर देख कर लग जाएगा। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको इस चीज़ का तो आइडिया लग ही जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना, अगर आप जो पढ़ रहे हैं आपको उसमें देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उस टॉपिक को भी कवर करेंगे और साथ साथ वैसे क्वेश्चन को भी जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी आइडिया लगता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, योर प्रिपरेशन, कि आपने कितना पढ़ा है और जिस टॉपिक को पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मतलब आपको उस टॉपिक में और पढ़ने की जरूरत है कि बस उतने से ही काम हो जा रहा है, मतलब अगर आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है, मतलब आपने सभी एस्पेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि उसी पैटर्न पे जो उस पैटर्न के हिसाब से उस टॉपिक में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपको आइडिया लगेगा, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात का आपको आइडिया बिल्कुल लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। इसके अलावा दोस्तों आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में पता चले किस तरीके का क्वेश्चन पूछे, जैसे देखिए इस बार UPSC का जो पैटर्न चेंज हुआ है तो अब की बार जो जैसा पैटर्न चेंज हो इसको भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व आपको दिया जाएगा, आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, मतलब किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मल्टीपल पूछा जाता है कि ये, मतलब जैसा भी पूछा जाता होगा क्वेश्चन हर तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको आइडिया लग जाएगा और आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट है वो है कॉन्फिडेंस, मतलब अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं अच्छे से सॉल्व करने, आपने हजारों 10,000 क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बना रहेगा, आपको लगेगा हाँ मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता लेकिन हाँ टॉपिक से उसी क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ साथ वही पैटर्न क्वेश्चन कराता है उस, मतलब टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा रहा उसी हिसाब से, मतलब क्वेश्चन अगर सेम नहीं रहेगा लेकिन उसी टॉपिक से वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप 10,000-15,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपको एकदम कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैं ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो ये जरूरी है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी। तो ये था इम्पोर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। अब साथ ही साथ कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक लें, तो सबसे पहले देखिए आप तो टॉपिक वाइज लीजिए, जैसे अगर आप नए हैं तैयारी के अंदर तो आप क्या लें टॉपिक वाइज लेने से क्या फ़ायदा होगा, मतलब जैसे अगर आप वैसा सैंपल पेपर ले लेते हैं जिसमें पूरा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ तो आपको ये आइडिया नहीं किस टॉपिक से आपको खोजना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर लेने से फ़ायदा ये होगा कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया ये आपको आइडिया लग जाएगा, वैसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए इसका मतलब आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। तो ऐसे में मैं एक बुक रिकमेंड आपको कर देता हूँ, वो ओसवाल बुक्स की, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या कैसे है, जैसे कि ये ओसवाल बुक्स की एक आती है प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर, इसमें GS पेपर 1 भी होता है साथ ही साथ इसमें सीसाइड भी आपको दिया गया है। ये दोस्तों सॉल्व क्वेश्चन पेपर, मतलब अगर आपको वैसा क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा, आप बुक में नहीं दिया गया, आपको टीचर ने वैसा नहीं पढ़ाया, तो आप इससे देखिए कि उसके सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ उस क्वेश्चन के, तो आप इसको एक ऐसा ले लीजिए, इसमें 29 ईयर का कवरेज है, मतलब UPSC ने जो भी 29 ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछा है सब इसमें उसका क्वेश्चन टॉपिक वाइज करके दिया हुआ है, तो आप एक ऐसा ले लीजिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी दिया हुआ है, एक्सपेंसिव प्रैक्टिस भी दिया हुआ है, 100% एग्जाम मतलब ये रेडनेस भी दिया हुआ है, उसके साथ वैल्यूएबल एग्जाम इंसाइट भी दिया हुआ है, मास्टर प्लान भी आपको इसमें दिया हुआ है, तो आप एक ऐसा ले लीजिए। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, जैसे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये देखिए
आपको यहाँ पे सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिलेबस जो है सिलेबस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें और क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, जो प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न है वो दिया हुआ, प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है, उसका कोर्स सब कुछ इसमें है, मेंस का भी इसमें सब कुछ मेंशन है। इसके बाद देखिए आप जो किस ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ, मतलब किस सब्जेक्ट से किस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब आप एक स्कूल नहीं गए तो आपको सब हर चीज़ का आइडिया इससे लग जाएगा। उसके बाद देखिए आप जो इस बार क्वेश्चन पेपर आज 2023 में मतलब लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए जीएस पेपर 1 के लिए दिया हुआ है। सब एंशंट हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिवल से कौन सा पूछा गया, मॉडर्न से कौन सा पूछा गया, आर्ट एंड कल्चर से कौन सा पूछा गया, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन ज्योग्राफी से कौन सा पूछा गया, सब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। ये हो गया जीएस पेपर 1 का। इसके बाद आपको सी साइड वाला भी देखिए, आप सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे सी साइड का भी देखिए, सी साइड के लिए भी जो सी साइड का क्वेश्चन पूछा गया उसको भी यहाँ पे गिवन है, साथ ही साथ उसका जो है सॉल्यूशन भी यहाँ पे गिवन है। तो आप इसको ले लीजिए, ये तो हो गया जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। उसके वजह से आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से जो है 1600 से 1757 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में ये क्वेश्चन, ऐसे ईयर वाइज जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ये बने, जिस ईयर में 2013 में ये पूछा गया, 2010 में ये पूछा गया, तो ये सब आपको यहाँ पे गिवन है टॉपिक वाइज, ऐसे हर सब्जेक्ट का इसका देखिए सॉल्यूशन भी गिवन है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसे सी साइड का भी यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे सी साइड का भी, सी साइड के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, हर टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछा गया है सब कुछ यहाँ पे कवर है। तो आप एक ऐसा टॉपिक वाइज ले लीजिए, टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर ये आप जरूर ले लीजिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों जब आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर हो, मतलब आपने जब सब सब्जेक्ट पढ़ लिया, सब सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया, तो उसके बाद जो है आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर लीजिए 10 ईयर का, यूपीएससी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर लीजिए 10 ईयर का, जीएस पेपर 1 का, ये भी ईयर वाइज जो है 2014 से 2023 तक का जो लेटेस्ट वाला है सब इसमें गिवन है, सॉल्व पेपर ये है। आप इसके बाद एक ऐसा लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए इसमें क्या आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा सभी क्वेश्चन का। ये तो हो गया जीएस पेपर 1 के लिए, ऐसे ही आप एक सी साइड के लिए भी ले लीजिए, जीएस पेपर 2 के लिए भी, सी साइड के लिए, ये भी 2014 से जो है 2023 तक का है, तो आप इसको भी एक ऐसा ले लीजिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई क्वेश्चन पेपर का, कि क्या क्वेश्चन पेपर हमें कौन सा लेना है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको आपको इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि मैं खुद इसको पढ़ता हूँ। तो दोस्तों ये तो बात हो गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा, कि ये कितने इंपॉर्टेंट है और आपको इसको क्यों सॉल्व करना चाहिए, क्यों सभी टॉपर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं, क्यों सभी टीचर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं। तो इसका काफ़ी फायदा से आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा, अपनी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा, पैटर्न जिस तरीके क्वेश्चन पूछा उसको पता चल जाएगा, उसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। टॉपिक वाइज लेंगे तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन जो है देख पाएंगे, तो आपको खोजना नहीं, आपका टाइम बचेगा। तो ऐसा आप करिए तो 100% आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।